हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें का केमिकल रिएक्शन। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें का किसमें का केमिकल रिएक्शंस का क्लास 10 का चैप्टर 1 है। उसमें क्या है टॉपिक नंबर कोरोजन। क्या है टॉपिक? कोरोजन। तो ये कोरोजन क्या होता है बच्चों? कोरोजन मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो मेटल्स का खराब हो जाना, या मेटल जो होता है जैसे मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या हो जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरों में, बदल लेता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में, या खराब हो जाना सिंपल भाषा में, क्या हो जाना? खराब हो जाना। इसी को नाम दिया जाता है बच्चों रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट भी बोलते हैं इसी को, कोरोजन या रस्टिंग। ठीक है, तो होता क्या है देखो सिंपल लैंग्वेज में, जो आपका मेटल्स होते हैं वो उनके अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए रहता है। अब किसके कारण होता है? कारण होता है ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है? और ये सब मिलते कहां से? तो ये सब बच्चों कहां होते हैं? एटमोसफियर में होते हैं, वहां पर सब रहता है क्योंकि सब मिक्स होकर एटमोसफियर रिएक्शन करके बनाते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल आपके पास आयरन है, मॉइस्चराइज लेता है ना बच्चों, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है बच्चों? रस्ट। नाम क्या है इसका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब इसको प्रिवेंट करना है तो कैसे करना है? पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दो, और क्या कर दो, जो मेटल नॉन रिएक्टिव होती है उसकी लेयर लगा दो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? गैल्वेनाइजेशन। ज्यादातर इसमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं। क्लियर है? आगे समझ में? ओके, थैंक यू बच्चों।